सुशांत सिंह राजपूत केस में लेकिन राजनीति भी जबरदस्त हो रही है क्योंकि शिवसेना सांसद संजय राउत ने यह आरोप लगाया है कि जांच के बहाने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली दरबार से यह साजिश हो रही है, लेकिन साजिश रचने वालों को डर है कि मुंबई पुलिस ने जांच की तो सच सामने आ जाएगा। 50 दिन होने के बाद एक निर्णय तक मुंबई पुलिस आ रही है, तब ये डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है, कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, उसके पीछे कौन है? बिहार सरकार और बिहार के राजनेता जो है, वहाँ की बिहार के DGP का आप चरित्र देखिए क्या है, वो सीधे एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, वो चुनाव लड़े थे, BJP का उम्मीदवार बने थे, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे पुलिस दल से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? मैं हमेशा पूरे देश की पुलिस फोर्स का आदर करने वाले हम लोग, लेकिन आप खाकी वर्दी पहनकर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए काम करेंगे खुलेआम? और आज भी मैं देख रहा था रिटायरमेंट के बाद वो BJP के या JDU के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से ये लोग बाधा पहुंचा रहे हैं उससे शक बढ़ता जा रहा है। मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं और मेरी किसी भी डिस्कशन में मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया है। जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं मानता हूँ कि मुंबई की पुलिस एक सक्षम पुलिस दल है, बहुत से बड़े बड़े ऐसे अपराधों का जांच मुंबई पुलिस ने की है सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो सच है वो सामने लाने की पूरी कोशिश मुंबई की पुलिस कर रही है, मुझे मालूम है। बिहार सरकार में जो मुकदमा दर्ज हुआ उनके पिता के अनुरोध पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 156(2) के अनुकूल हुआ है। ये ज्ञान की भूमि है बिहार, कानून मत पढ़ाइए बिहार को। अरे बिहार में तो ज्ञान की धरती रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सरकार अपना पक्ष रखेगी, केंद्र और राज्य सरकार ने जो भी CBI के संबंध में निर्णय लिया वह निश्चित रूप से आम लोगों की भावना और मुंबई पुलिस का जो देश के संविधान के द्वारा बनाए गए जो भारत। हालांकि अब यहां पर राजनीति और दावे अपनी जगह, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी एक हलफनामा दिया है CBI जांच के मामले को लेकर कि मुंबई पुलिस ही जांच करे, तो उस मामले को लेकर भी आज सुनवाई होनी है।